मुंबई से सटे थाणे के कल्याण में आज जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कल्याण बदलापुर हाईवे पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और टायर जलाकर अपना विरोध जताया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो किसानों ने उन पर भी पत्थरबाजी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिसमें 4 गांव वाले घायल हो गए। साथ ही एक ACP समेत 12 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दरअसल मामला ये है कि ब्रिटिश काल में नेवाड़े गांव के पास करीब 1600 एकड़ जमीन पर हवाई पट्टी मौजूद थी, जिसे बाद में किसानों ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन नौसेना फिर से उस हवाई पट्टी वाली जगह को अपने कब्जे में ले रही है। सरकार यहां राज्य का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहती है, इसलिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसके लिए वहां दीवार बनाई गई है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि नेवी ने उनकी जमीन का जबरन अधिग्रहण किया है। इसी को लेकर 17 गांव के किसान आज प्रदर्शन कर रहे थे। शुरू में किसानों का ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसने हिंसक रूप ले लिया और वहां मौजूद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि आंदोलनरत किसानों ने इस मामले में मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। तो 15 दिनों के अंदर महाराष्ट्र 2 किसान आंदोलनों की आग में जला। पहले कर्ज माफी को लेकर राज्य भर के किसान सड़क पर थे, वहीं आज कल्याण बदलापुर हाईवे पर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है, ऐसे में देखना होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है। देखते रहिए DB Live।